और अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की क्यों बढ़ गई हैं मुश्किलें, विदेश मंत्री का मिशन बांग्लादेश क्या है, महाराष्ट्र में क्यों अश्लील डांस का मामला गर्मा गया और चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए विराट एंड कंपनी की क्या है रणनीति, देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप नाइन राष्ट्र में। कथित टैक्स चोरी मामले में फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इनकम टैक्स ने अनुराग कश्यप और तापसी से पुणे में लंबी पूछताछ की, पूछताछ आज भी जारी रहेगी। कल इनकम टैक्स ने मुंबई और पुणे में दोनों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर तलाशी अभियान पूरा होने में 3 दिन का समय लग सकता है। अधिकारी हर डिजिटल साक्ष्य का बैकअप रख रहे हैं जो उन्हें खोजों के दौरान मिला और इस कारण इसमें समय लगने वाला है। आईटी विभाग का दावा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें कई अहम सुराग और चीजें मिली हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ढाका जा रहे हैं। एस जयशंकर ढाका में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ ही वहां के विदेश मंत्री से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाली घोषणाओं को लेकर जयशंकर विचार विमर्श करेंगे। महाराष्ट्र के जलगांव के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के अश्लील डांस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक श्वेता महाले ने विधानसभा बजट सत्र में मामले को उठाते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद होने का आरोप लगाया। इसके बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने बड़ा ऐलान करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। शशिकला ने विधानसभा चुनाव में AIADMK कार्यकर्ताओं को एकता बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही कार्यकर्ताओं से DMK को हराने की अपील की। राजस्थान के फतेहपुर की यह तस्वीर है जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तलवार से केक काटा। राकेश टिकैत ने कहा कि जातिवाद, जाटवाद, धर्मवाद सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ किसानवाद चलेगा। कृषि कानून के विरोध में राकेश टिकैत देश भर में घूम रहे हैं और महापंचायतों के जरिए किसानों को लामबंद कर रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी और चौथा मुकाबला आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बन सकते हैं। कप्तान विराट कोहली अगर शतक लगाते हैं तो वो रिकी पॉन्टिंग के 41 शतकों के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। राजस्थान के जालौर के गांव जाखल की ये तस्वीरें हैं जहां टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए प्रशंसकों की इस कदर भीड़ उमड़ पड़ी कि स्थिति बेकाबू हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। धोनी यहां एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बंगाल के सियासी घमासान का असर बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयों पर भी दिखने लगा है। कोलकाता की मशहूर स्वीट्स की दुकान बलराम मलिक ने खास संदेश मिठाई तैयार की है जिस पर खेला होबे और जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं। इसके साथ ही मिठाइयों में मोदी संदेश और दीदी संदेश में शामिल है।